अब क्या फायदा गा के, बार बार थोड़ी मिश्र समय से गलती होगी। सुनाई नहीं दे रहा। कुछ टाइम पहले ये अंकल गलियों में गाते हुए कच्चा बादाम बेच रहे थे। बादाम बादाम दादा कच्चा है बादाम, आमा गाचे ना को बुबू भजा बादाम, आमा गाचे पावे सुदू कच्चा बादाम। फिर क्या, यशराज मुखाटे की तरह किसी ने इसकी सिंगिंग में म्यूजिक देके इसे वायरल इनटू 100 कर दिया। आमा गाचे पावे सुदू कच्चा बादाम। मजा नहीं आ रहा है। म्यूजिक वायरल हुए बुआन अंकल को तो आज सभी लोग जानते हैं। क्या तुम्हें पता है किस शख्स ने इस वीडियो पर सबसे पहले म्यूजिक या ऑटो ट्यून दिया था? उस शख्स का नाम पता है? वैसे मुझे भी नहीं पता था, लेकिन वीडियो बनाने के लिए छोटी मोटी रिसर्च करनी तो बनती है। अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो के अंत में बताऊंगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अंकल का गाना टोनी कक्कर के पूरे करियर से बेटर है। You are right, bro. ये क्या है? चलो, ये कॉस्ट्यूम उस सैंडी के कॉस्ट्यूम से तो ठीक ही है। अच्छा सुनो, बी अलर्ट स्क्विरल एंड मी, क्योंकि मुझे भी मूंगफलियां बहुत पसंद है। हमारा ना बहुत बड़ा परिवार है, तो रिलेटिव में किसी ना किसी की शादी होती रहती है। तो मैं शादी में गया, वहां डीजे वाले ने कच्चा बादाम सॉन्ग चला दिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ ऐसा, लेकिन वहां हुआ कुछ ऐसा। कच्चा बादाम का भोजपुरी वर्जन भी आया है। इस गाने के लिरिक्स कुछ इस प्रकार है। निकलो ना घर से, कच्चा बादाम वाला आया है। ले लो ना भोजी, ले लो ना चाची, ले लो ना दादी, ले लो ना ताई, ले लो ना बुआ, ले लो ना एक्स वाई जेड, ले लो ना एबीसी। ये सुनकर टोनी कक्कर भी बोल रहा होगा, साला मेरा पेटेंट सीक्रेट चुरा लिया बे। इस वीडियो पर जिस शख्स ने सबसे पहले ऑटो ट्यून दी थी, उस शख्स का नाम है सोहेल राणा सरकार। चलो, इसी इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक और शेयर का बटन प्रेस कर दो। मिलते हैं अब पार्ट 3 में। जिसने भी इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।